हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा डार्क नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रायन है और मैं यूएसए में रहता हूं। साल 2007 में मेरा सामना एक वेंडिगो से हुआ था। क्या आपने वेंडिगो के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। उस दिन मैं अपने 3 दोस्तों के साथ फॉरेस्ट कैंपिंग पर गया हुआ था, जिनके नाम है पॉल, जेफरी और एडम। हमारे साथ यह घटना यूटा शहर के यूनिटा नेशनल फॉरेस्ट में घटी थी। इस फॉरेस्ट में ज्यादा बड़े वाले पेड़ नहीं है, यहाँ कुछ छोटे मोटे ही पेड़ नजर आते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ क्रिसमस ट्री के पेड़ भी है, जिन्हें देख कर हमें बहुत अच्छा लगा। यह फॉरेस्ट काफी हरा भरा है क्योंकि हर जगह छोटी छोटी घास और चारा उगा हुआ है, लेकिन यह पूरा ही फॉरेस्ट बड़ी बड़ी चट्टानों से भरा हुआ है। वास्तव में यह जंगल एक बड़े से पर्वत पर बसा हुआ मालूम पड़ता है। यहाँ बस कुछ ही दूरी पर काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत आ जाते हैं और उनके दूसरी तरफ का दृश्य देखने के लिए या तो उन पर्वतों पर चढ़ो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वे काफी ऊंचे हैं और हम कोई हिल क्लाइंबर तो है नहीं, या फिर उन पर्वतों के बाहर से गुजरती हुई सड़क से दूसरी तरफ जाकर देखो, तब कुछ दृश्य नजर आता है। ये घटना हमारे साथ तब घटी जब हम 2 दिन की कैंपिंग करने के बाद वापस घर लौट रहे थे। हमें उस दिन घर की तरफ लौटने में शाम हो गई थी। यह लगभग 6 बजे का समय था और अक्टूबर का महीना चल रहा था। हम चारों दोस्तों ने एक मिनी ट्रक रेंट पर ले रखा था। इस ट्रक के आगे की तरफ 2 सीट है और पीछे कुछ खुला एरिया है जिसमें आप सामान रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हिल एरिया वाला फॉरेस्ट है, तो यहाँ से निकलती सड़कें काफी पथरीली है क्योंकि ये पर्वतों से होकर गुजरती है। हम चारों कैंपिंग के बाद काफी थक चुके थे और गाड़ी में धीमी आवाज में म्यूजिक चल रहा था। हम चारों ही दोस्तों ने सिगरेट सुलगा रखी थी और उसके कस लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमारा ट्रक पथरीले रास्ते पर लुढ़कता हुआ चल रहा था और उसकी स्पीड शायद 30-40 किलोमीटर के आसपास होगी। इस वक्त ट्रक को जेफरी ड्राइव कर रहा था। थोड़ा अंधेरा होने के कारण उसने ट्रक की हेडलाइट भी जला रखी थी। तभी अचानक ही जेफरी ने एक जोरदार का ब्रेक लगा दिया और ट्रक आवाज करता हुआ एकदम स्तब्ध खड़ा हो गया। इस वक्त हम जिस रास्ते पर थे वहाँ एक तरफ माउंटेन और दूसरी तरफ खाई थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यह रास्ता पर्वतों से होकर निकलता है। हमारा ट्रक ज्यादा स्पीड में तो नहीं था, मगर फिर भी हम आगे की तरफ गिरते गिरते बचे थे। मैंने कहा, क्या हुआ यार, इतने जोर से ब्रेक क्यों लगा दिए? दरअसल हम तीनों आगे की तरफ देख ही नहीं रहे थे, बल्कि आपस में बातें करके हंस रहे थे। तभी जेफरी ने बोला कि सामने तो देख ब्रो, ये क्या चीज है? तो हमने देखा कि सामने एक अजीब सा जीव खड़ा है। उसे जीव कहूं या फिर कुछ और मुझे नहीं पता, मगर मैंने आज से पहले ऐसे जंगली जानवर के बारे में कभी नहीं सुना, क्योंकि वो सिर्फ हड्डियों का कंकाल मात्र था। उसके पूरे शरीर पर मांस नहीं था और हड्डियां यूं ही साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल बल्ब की तरह चमक रही थी और ये जीव 2 पैरों पर खड़ा था। इसके हाथ पांव बिल्कुल ही पतले थे, मगर ये एक विशालकाय जीव था क्योंकि ये लगभग 10-12 फीट लंबा था। इसका मुंह किसी बकरे या फिर हिरण जैसा लग रहा था और सिर पर 12 सिंगे की तरह काफी सारे सींग थे। इसे देखकर हम आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसा जानवर है। हम बस स्तब्ध खड़े इसे देखे जा रहे थे और वो हमारी तरफ काफी गुस्से से देख रहा था, जैसे हम बिना पूछे उसके घर में घुस गए हो। अब हमको उससे थोड़ा डर भी लगने लगा था। वो जीव हमारे से 30-40 कदम दूर रास्ते के बीच में खड़ा था। हमें थोड़ी देर देखने के बाद वो हमारी तरफ ही आने लगा और जब वो हमारी तरफ आ रहा था तब उसके हड्डियों के चटकने की आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी। अब हम चारों ही डर के मारे चिल्ला रहे थे और अपना सिर नीचे की ओर झुकाकर छुपने की कोशिश कर रहे थे। हमारा ट्रक अभी भी स्टार्ट ही था और वो जीव हमारे पास आकर हम सबको गौर से देखने लगा। हमने दोनों तरफ की विंडो के शीशे चढ़ा लिए थे। कुछ देर हमें देखने के बाद वो जीव हमारे ट्रक को अपने हाथों से जोर जोर से हिलाने लगा। हमें एक टाइम तो ऐसा लगा जैसे कि वो हमारे ट्रक को उलट ही देगा। वो जीव अभी खाई की तरफ खड़ा था और हमारे ट्रक को हिल्स की तरफ पुश कर रहा था। तभी मेरे दोस्त एडम ने बोला, कौन हो तुम? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? ऐसा मत करो, हमारा ट्रक खाई में गिर जाएगा। ये सुनकर उस जीव ने हमारा ट्रक हिलाना बंद कर दिया और फिर वो एडम की उसी बात को हूबहू दोहराने लगा कि कौन हो तुम? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? ऐसा मत करो, हमारा ट्रक खाई में गिर जाएगा। वो बार बार बस यही बात दोहराते हुए मुस्कुरा रहा था। ये देख के हमें काफी आश्चर्य हो रहा था कि कोई जानवर इंसान की तरह कैसे बात कर सकता है। उसकी मुस्कुराहट काफी भयानक लग रही थी और अब उसके दांत भी हमें दिखाई दे रहे थे, जो कि काफी बड़े बड़े थे। उसने थोड़ी देर ये सब करने के बाद एक जोर की चीख मारी और ये चीख ऐसी थी जिसे सुनकर हमारा कलेजा ही फटकर बाहर आने को तैयार हो गया। इतनी भयानक चीख हमने आज तक नहीं सुनी थी। अब वो जीव गाड़ी के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया और हिल्स की तरफ खड़े होकर गाड़ी को खाई में धकेलने की कोशिश करने लगा। तभी हम सब काफी जोर जोर से चिल्लाने लगे। हम बोल रहे थे, जेफ जेफ जल्दी ट्रक भगा यार, वरना ये इसे खाई में गिरा देगा। जेफ भी काफी डरा हुआ था, मगर हम सब में से वो ही थोड़ा ब्रेव था। हमारा ट्रक अभी भी स्टार्ट ही था तो जेफ ने संभलते हुए जल्दी से गियर डाला और तेजी से ट्रक को दौड़ाने लगा। उसने बस 30-40 मीटर की दूरी में ट्रक को चौथे गियर में डाल दिया। अब हमारा ट्रक काफी तेजी से दौड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी टाइम खाई में गिर सकता है।
मगर हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा था क्योंकि हमें तो उस भयानक जानवर से बचना था। जब हमने साइड मिरर से देखा तो वो भयानक जीव थोड़ी दूर हमारा पीछा करने के बाद वहीं रुक गया और अब मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो क्या था? ऐसा तो कोई जीव होता ही नहीं है। तो पॉल ने बोला कि वो एक वेंडिगो है, जो कि एक पैरालौकिक शैतान होता है। ये जीव एक गोस्ट की तरह होता है, ये सभी लोगों को दिखाई नहीं देता। यह शैतान किसी वक्त एक इंसान ही होता है, ऐसा इंसान जिसको औषधि शास्त्र मतलब मेडिसिन का अच्छा ज्ञान हो, मगर जब ये अपना ज्ञान किसी गलत कार्य में इस्तेमाल करता है और अनुचित तरीके से कोई चीज हासिल करने की कोशिश करता है तो इसके लिए उसे पैरालौकिक शक्तियों की जरूरत पड़ती है, तो ये शैतान की पूजा करने लगता है और शैतान इसे कुछ होकर शक्तियां दे देता है और साथ ही शैतान इसे श्राप भी देता है कि तुम अब एक वेंडिगो बन जाओगे और तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी, तुम चाहे जितना भी खा लो हमेशा भूखा ही रहोगे। और पॉल ने आगे ये भी बताया कि यह शैतान नवाजो ट्राइब से बिलोंग करता है, क्योंकि इंसान से वेंडिगो बनने के रिचुअल्स नवाजो ट्राइब्स के लोग ही जानते हैं। उस दिन तो हम बाल बाल ही बचे थे इस वेंडिगो शैतान से, और मैंने घर आकर भी वेंडिगो के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च किया तो पता चला कि काफी लोगों से इसका सामना हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से कोई नई कहानी के साथ।